Congratulations, sir. Thank you. Thank you. राजदीप, आज का केस हम जीतेंगे इसका विश्वास था मुझे, लेकिन आज ही रैप अप हो जाएगा इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. Well, when I say that it'll get done, it gets done. आगे से सोच ही लीजिएगा. चलिए, I've got one criminal off your back. आइंदा से परेशान नहीं करेगा आपको. एक से क्या होगा, अभी 35 और बाकी है. Well, एक हो या 35, it wasn't me who created all these messes. Wait, what are you trying to say? We did all this? Huh? No, answer me one thing. Weren't you the part of the original one? लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो रही है. I'll remind you. And let me remind both of you. आज हम एक मामूली सा केस जीते हैं, मामूली सा केस. The real war is yet to come. और तुम दोनों हो कि खामखा बहस पे बहस करते जा रहे हो. Just stop it. Congratulations, आप केस जीत गए. And what a swift victory, Dada. Thank you, darling. बेटा जी, congratulations तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे केस में होना चाहिए था. And बेटा जी, क्या बात है, busy हो? No time for your nanu. ऐसा नहीं है नानु, which is that dad ने चूज किया कि I should not be involved in family matters, so that's it. Really? I really wonder why. Well, that's how I work. अलग-अलग battles के लिए अलग-अलग soldiers. And that's how I win wars. रही बात अनुष्का की, she's better off on the fence on some bloody matters. नानू, listen. वैसे, I've decided कि मैं उस वायु अहुजा से मिलने के लिए तैयार हूँ. Really? I mean, अब सब यही कह रहे हैं तो, I mean, what's the harm in me? But how wonderful! I'm so happy. That's a brilliant decision, my bacha. तुम्हें हमारे केस में होना चाहिए था. No time for your nanu. ऐसा नहीं है नानू, it's just that dad ने चूज किया कि I should not be involved in family matters. दादा का केस लड़ेगी? Of course, yeah. Unbelievable. What are you? What sort of a lawyer are you? बिना सोचे समझे तुम कुछ भी हाँ कर देती हो. तेलंगाना टोर्नेडोज वाले भी आ रहे हैं. मेरे दाद से उसी सिलसिले में मिले थे ना दिल्ली में. हरियाणा हॉट गन्स के बारे में प्रशांत और तारा बात तो करते थे, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट था उनके लिए, बट डिटेल्स नहीं पता. अंकू, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है. ओह माय गॉड, मामा, यू लुक सो प्रिटी. अंकू, ये दिस इज फॉर माय ब्यूटीफुल मॉम. ये मैंने आपके लिए लिया है, ये आपकी साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा. इधर आओ. प्रिटी ना, ये बहुत सुंदर है. तुझे पता है हमेशा से ना मुझे ऐसी ड्रेसिंग बहुत पसंद थी. अब यार आप इतनी सुंदर लग ही रही हो तो चलो एक कैटवॉक पे चलते हैं और सबको जेलस करते हैं. नहीं, इतनी सुंदर मम्मा है, मेरी फ्लॉन्ट तो करने दो. चलो अंकू. मेरी बेटी. आ बैठो. किसी को ढूंढ रहे हो? अरे नहीं. अंकू जी, कैसा लग रहा है आपको राय सिंघानी मैंशन में रह के? वेल, वो
वो घर चाहे कितना ही बड़ा हो, खूबसूरत हो, अपनापन महसूस नहीं होता। ना तो मेरे बचपन की यादें वहां जुड़ी है, ना मेरे अपने लोग हैं, वो फैमिली बॉन्ड नहीं है, इंपॉर्टेंटली आप नहीं हो वहां पे। जो कुछ भी अनुष्का का है ना मम्मा, उन सब चीजों पे मेरा भी हक है। And I promise, जितना कुछ भी राय सिंघानी इसके पास है ना, बहुत जल्द वो सब हमारा होगा। Very soon. Okay, अंकिता, मेरी बात सुन, just take it easy, okay? देख बेटा, रिवेंज लेने के भी अपने रूल्स होते हैं, और बदले की आग में जो बदला लेता है वो खुद भी नहीं बचता है। सो डोंट फीड दिस फायर, ओके? प्लीज। नो मामा, आई कांट लेट द फायर बर्न डाउन, बिकॉज द फायर हैज टू बर्न एवरीथिंग अराउंड मी। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, और उस राजदीप को सबसे पहले खत्म करूंगी। मामा, राजदीप राय सिंघानी, मुझसे प्यार तो करते थे ना? हाँ, जब भी मेरे साथ होते थे और मेरी आंखों में देखते थे, His love used to shine. राज, Anybody home? Yeah. मधु, आज तुम्हारे लिए फूल लाने का बड़ा मन कर रहा था। ओके। तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आया हूँ। बंबई में इसे फ्लावर कहते हैं। क्या? राज। माय लॉर्ड, इस मटर पे ऐसे जुल्म मत करिए। ओह, ड्रामा क्वीन। अच्छा राज, माय लॉर्ड कब बोलते हैं और योर ऑनर, आर दे द सेम? नहीं मधु, We had decided, na? जब हम साथ होते हैं, we are not going to discuss work or law. मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मैं एक lawyer हूँ. My entire other life fades away when I'm with you. मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राज हूँ. वो राज जो घंटों तुम्हारा चेहरा देख के सब कुछ भूल जाना चाहता. अच्छा, और मेरे चेहरे पे ऐसा क्या देख लेते हैं आप कि अपनी जिंदगी की बाकी सच्चाई को भूल जाना चाहते हैं? Well, that's hard to decide. Whether it's your mesmerizing smile and those dimples that come here, or your unwavering compassion, या तुम्हारे अंदर का वो बेबाक जर्नलिस्ट जो जब तक पूरी स्टोरी जान नहीं लेती, हार नहीं मानती, सच जान के ही रहती है. And your other life? What's so bad in it? I mean, तुम उसे भूलना क्यों चाहते हो? अधूरा अपन मत हो।
जो हमेशा मेरे साथ रहता है. It follows me like a shadow all the time. You know, I feel I've become someone I never wanted to be. लेकिन बनना पड़ा due to circumstances. वो circumstances जो मेरे control में नहीं थी और ना अब हैं. But with you, मैं खुल के सांस ले पाता हूँ. I feel I have a choice. A choice to be that Raj, जो कई सालों से मेरे अंदर घुट रहा. Raj, relax. आप राजदीप को लेके सेंटिमेंटल नहीं हो सकती हो. He killed राहुल पापा. मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और मैं कुछ जानती भी नहीं. I can't believe this. आपको अभी भी लगता है मम्मा कि राहुल पापा के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था? It was a murder, मम्मा. राहुल पापा को मरवाया गया था. मधु जी. अरे रमन जी, आप ये देखिए ना, साड़ी, ये चेन, ये सब लेके आई मेरे लिए. मैं बस बोलने ही वाला था कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. आई मीन खूबसूरत तो आप हमेशा लगती हैं, लेकिन हेलो बेटा, आपके मॉम हमेशा आपके बारे में ही बात करती है. अंकिता ये, अंकिता वो. एक बात तो माननी पड़ेगी, यू क्लियरली हैव अ गुड टेस्ट जस्ट लाइक योर मॉम. आई एम सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया. मॉम और बेटी की कन्वर्सेशन तो स्पेशल होती है. मैं चलता हूँ. नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ. एक्चुअली विजिटिंग आज खत्म हो रहे हैं तो अंकिता बस जाने ही वाली थी, तो हम दोनों साथ चलते हैं. श्योर. बाय, टेक केयर. हे अनुष्का. हे, हाय. तुमने सिर्फ मेरा केस छोड़ा है, मुझसे बात करना तो मत छोड़ो. कम ऑन, यू नो आई एम स्टिल रूटिंग फॉर यू. मारी बिगेस्ट चीयरलीडर हूं मैं. काफी अच्छी चीयरलीडर है नु, और हॉट भी. यू बेट. व्हाई डोंट वी गाइस कैच अप फॉर सम ड्रिंक्स सैटरडे प्रीवे विनयार्ड. व्हाट्स द ओकेजन? कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना हर वीकेंड ओकेजन ही लगता है. मैंने अपने कुछ कपल फ्रेंड्स को बुलाया है, तो I want you guys to join us. Well, I mean, Virat and Aisha can come together. I mean, should be fun. In that case, तो मेरे weekend को भी time है. We'll discuss this तब. Yeah, bro. वैसे भी अब जब मेरा trial शुरू ही होने वाला है, तो मैंने तुम दोनों की life में re-entry तो मारी ली है. Tada. I hope ये friendship जो यहाँ से शुरू हुई थी, उसी जगह पे खत्म ना हो जाए. Brother. तू स्ट्रेस मत ले. वी आर वेरी टीम. या मैन, आई होप ये नाइटमेयर जल्दी खत्म हो जाए. इवन दो अनुष्का को अभी भी मेरी इनोसेंस पे यकीन नहीं है. विराट को यकीन है एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. अच्छा अब एक काम कर, इससे पहले तेरे फैंस तुझे मॉब करे, यू मेक अ मूव. या मैन, वैसे भी आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुराने स्पॉन्सर वायु एनर्जी के साथ. वायु एनर्जी खुद एक शेल कंपनी और इस कंपनी के बोर्ड पर हैं आपके डैड राजदीप राय सिंघानी. टीम में वापस आ गए हैं साले. ओके गाइस, आई सी यू बोथ लेटर. चलो बाय. Deep, I'm really enjoying working under you. Deep, writ petitions भी मैं खुद से लिख रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है. Imagine,
और थी दादा कामले की पेटिशंस पर भी ना मैंने बहुत काम किया है, आप प्लीज एक बार उसको देखना। और स्पेशली वो जो प्रेयर, वो मैंने ड्राफ्ट किया है। और दी ऑफिस में भी आई हैड ग्रेट टाइम, एंड दैट रूमीना इनक्रेडिबल एंड सो इंटेलिजेंट, उसने काफी हेल्प किया थी मेरी। वेयर इज एवरीवन दादी, कहाँ है? वेल डैड दिल्ली गए हैं, मॉम अपनी पिंकी दी की वेडिंग के लिए 10th टाइम शॉपिंग पे गए हैं, एंड दादी इज कैचिंग अप विद अ बेस्टी शुभा देवी एट ओपरा हाउस। क्या हुआ है, आप इतने ऑफ क्यों लग रहे हो? व्हाट्स गोइंग ऑन? ऑल ओके? सिर मैं कभी सोचा है कि ये यू नो दिस मैंशन, द कार्स, ऑल द रिचेस, हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस हैज बीन बॉट बाय legit money? What do you mean? अचानक से आप इतने अजीब से questions? And why are you looking so worried? कुछ हुआ है क्या दी? I just keep thinking, Sid, what if dad's accident एक unfortunate hit and run नहीं था? What if किसी ने बदला लिया हो for something illegitimate going on? Come on, Dee. Are you serious? Deep, this is so scary. हम लोग, are we all in danger? अरे, bro, relax. Listen, I'm just thinking. Okay, it's okay. I promise you, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगी. मैं हूँ ना. I'm here. सरला प्लीज एक कॉफी दे दो, बहुत सिर। हेलो, हाय मैम, हाय सिड, सॉरी वो सरदर्द। हाय स्ट्रेंजर, ऑफिस में तो तुम आजकल दिखती नहीं हो। आई मीन आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन यू आर माय असिस्टेंट, और घर में भी यू हैव गॉट योर ओन रूम, सो यू हैव लेफ्ट मी ऑल अलोन। सब बिल्कुल नहीं है मैम, एक्चुअली पता है अब रियलाइज हो रहा है दैट हाउ मच यू रियली डील विद कोर्ट में। एक केस खुद का हैंडल करके I'm finding it so tough, and you do it every day. आप रोज कोर्ट में arguments करती हैं, difficult ones, and still do it with so much ease. Yeah, it's very tough to handle. हाँ, मुझे पहले दिन काम करके बहुत मजा आ रहा है, but दी दो दिन paperwork करके ना मुझे इस काम की tough side दिख चुकी है। दी आप पक्का कुछ secret छुपा रहे हो, and you make it look so easy. आप हमें बताओ वो क्या secret है दी? Well, honestly, there's one thing that keeps me really focused, जो मुझे involved रखती है, and that is, I always think कि किसी की life is at stake, किसी का freedom दांव पर लगा हुआ है, and innocent cannot be punished. दादा काम ले भी? Yes. Because इस सिचुएशन में वो इनोसेंट है। Wow, I'm amazed by you. सिचुएशन चाहे जो भी हो, whatever the matter is, the most important thing to you is कि सही क्या है। Always अंकिता, जो चीज तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हो, वो drives you, तुम्हें वही करना चाहिए। It'll always lead you to what's right. And what if किसी का रिवेंज उन्हें ड्राइव करता हो? तो फिर वो तुम्हारा हक बन जाता, if that feels right. You guys, मुझे literally मूड कोट वाली फीलिंग आ गई, too good. You know ना, all work and no play makes me hot. अच्छा, listen, सुनो ना. Yeah, I gotta go. Bye. बोलो हर्ष, क्या important काम है? Sir, important तो ये call था आपके लिए. काम की बात हम बाद में भी कर सकते हैं. Enjoy, sorry to disturb you. Oh, hello. पहले तो ये smile बंद कर, और ये over smartness की जो दुकान है ना, इसे कम कर. वैसे भी इस कमरे में एक ही smart इंसान है. It's not you.
ऑब्वियसली सर यू। मेहताज के बारे में कुछ पता चला? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेहताज ने इन्वेस्ट किया है पूरा वायु एनर्जी में और राजदीप सर उसके बोर्ड के मेंबर है। अब इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेट करने के लिए 23% शेयर्स खरीदे एम फ्यूचर ग्रुप ने वायु एनर्जी के और जब प्राइसेस बढ़े तो बेच दिए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन सर। और एम फाइनेंस ओन करता है शेरावर ट्रांसपोर्ट को जिसका पता तुझे प्रमिला ने दिया था। प्रमिला वो औरत है जो अब गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। ये सारी चीजें मुझे पता है। तुम रट्टा मार के आते हो क्या ये सारी चीजें? What's new? सर वो हरियाणा हॉटकिंस। Yeah, I know about it. आर्यमन की क्रिकेट टीम है, it's all connected. You have something new to tell me, otherwise whatever. सर वो actually मुझे पता नहीं है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है। थोड़ी नहीं है, तुझे पता नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी? Are you mad? How many times have I told you information kaisi bhi ho, choti, badi, kaisi bhi, you have to tell me, Harsh. Is it so difficult for you to understand this? No, sir. Sir, actually, आर्यमन के ट्रायल के टाइम पे अनुष्का मैम ने उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाए थे। उन्होंने वो अंकिता को दिए थे और उसमें जो कॉल्स हाइलाइटेड थे उन्होंने बोलता कि हम उन पे कॉल करें। Hi, I'm calling from India on behalf of आर्यमन सिंह. Oh, man! Where is that Arya man? You asked to call me direct, okay? Okay, but what should I tell him? Who is expecting his call? You tell him it's from West Indies. He called West Indies. He understand. What? Sir, आपको क्या लगता है? ये पूरा angle match fixing का तो नहीं है? You're trying to say Anushka जानती थी about the Haryana number and West Indies connection? Yes, sir. अंकिता ने खुद बताया था उन्हें। What? I can't believe this. She's not telling me. Why is she hiding everything from me? जरूरी सवाल पूछना है आपसे, प्लीज डाटा इस कोशिश कीजिए मुझे जवाब देने की। आई रियली नीड टू नो। डाटा क्या आपके एक्सीडेंट का वायु एनर्जी से कोई कनेक्शन है? Do you have a connection in Haryana? Okay. Tara, क्या आप तारा कॉल और उसके हस्बैंड प्रशांत राधाकृष्णन को जानते हैं? हाँ? Tara? Oh my God. Okay. Nurse! Quick, nurse. Okay. Dada. Okay. Relax. Okay. Dad. Please. Oh my God. Dada, relax. Please, calm down, Dada. Dada, it's okay. I'm here. Dada, please, Dada. Dada, relax. Please, relax. Please.